हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू मिस्टर। गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी में जो है हमें सबको भाती हैं कॉटन की कुर्तियां, कॉटन के ड्रेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बनाऊंगी मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती, जिसको हम ड्रेस के रूप में भी पहन सकते हैं, श्रग के रूप में पहन सकते हैं और कुर्ती के रूप में भी पहन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ड्रेस बनाने के लिए मैंने लिया है ये डबल अरज वाला कपड़ा। तो ये जो है वो इसका अरज जो होता है वो डबल काफ़ी चौड़ा होता है, तो उसमें जो है कुर्ती 1.5 मीटर में आसानी से बन जाती है। तो जो भी हमारी लंबाई है उसमें हमें 11 इंच की हमें जो है वो लगानी है फ्रिल। तो 11 इंच के बाद हमें एक्स्ट्रा जितनी भी हमारी बची है 31 इंच बची है जैसे, तो 1 इंच हम नीचे के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा और 1/2 इंच हम ऊपर के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 32.5 मैंने एक्स्ट्रा लिया है पूरा ये। तो इस तरह से 4 फोल्ड में हमें रख लेना है और आगे की तरफ हमें 1/2 इंच जो है वो खुला हुआ वाला जो पार्ट है ना उसको हमें आगे करके रखना है थोड़ा। तो अब शोल्डर जो लिए हैं वो 8 इंच पर लिए हैं और आलमोंड लिंगी में 6 इंच पर। तो ये जो खुली वाली साइड है वो हमारी ऊपर वाली जो हमने ऊपर रखा है वो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा। तो उसके लिए हमने 1/2 इंच छोड़ के अब हमें लगाना है जो है वो चेस्ट का निशान, उसके बाद कमर का जो है हम लगाएंगे मार्क 7.5 पर, और जो हिप्स का है निशान वो हम पूरी जितनी भी हमारी चौड़ाई उतनी ले लेंगे। तो यहाँ 1.5 पे हमें इस टाइप से गोलाई दे देनी है आर्महोल के लिए, और जो तो चेस्ट के लिए जो है वो 11.5 पे मैंने एक निशान लगाया है और कमर का लगाया है 9.5 पे, और हिप्स जो है वो जितनी भी हमारी ये चौड़ा है कपड़ा उतना हमने पूरा ले लिया है तो इनको मिला देंगे हम। तो ये हमारा कटिंग वाला जो है वो मार्क हो गया। तो ये मैंने कट कर लिया, ये जो है वो अब फ्रंट के लिए जो है वो 1 इंच पे इस टाइप से डाउन करते हुए हमें यहाँ इस तरह से कट कर देना है जिससे ये फ्रंट वाला जो है वो आर्म होल कट हो जाएगा। अब मुझे लगानी है इसमें फ्रिल, तो 11 इंच की मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो उसमें 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेके 12 इंच की जो है वो पूरी जितनी भी हमारा कपड़ा बचा है ये लंबाई में उतनी में 12 इंच की जो है ये पट्टियाँ कट कर लूँगी। फिर उसके बाद ये जो हमारी पट्टियाँ हमने कट करी हैं वो इस तरह से हम पूरे में फ्रिल भर देंगे। उसके बाद एक ब्लैक कलर का हमने जो है वो पट्टियाँ कट कर लेनी है, तो 2-2 इंच की ये हमने इस टाइप से कट कर लेंगे फ्रिल को रख के, दोनों को साथ में रख के, और ये इतनी ही लंबाई की जितनी ये दोनों चीज़ें बैठी हैं उतनी ही लंबाई की हमने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। चौड़ाई जो है वो इसकी 2 इंच रखी है मैंने, तो ये पट्टियाँ इस तरह से लग जाएंगी। तो बैक पार्ट के लिए मैंने ये रेप पट्टी के साथ जो है वो गला बना लिया है बैक वाला। तो इसकी जो गहराई रखी है वो मैंने सिर्फ 1 इंच रखी है। अब ये पट्टियाँ मैंने सिल ली हैं एक एक साइड से इस तरह से। जो ये पट्टी हमने कट करी थी 2 इंच की, तो 1 इंच की हम अंदर की साइड को मोड़ देंगे और 1 इंच ये हमारा बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे पूरी में अंदर फोल्ड करते हुए। और जो दूसरी साइड वाली है ये उसको भी हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इसको, और ये हमारी दिखनी नहीं है राइट साइड वाली, तो इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए और सिलाई लगा देंगे, और ये अलग अलग सिलने हैं हमें दोनों पार्ट, और फिर उसके बाद बटन लग जाएंगे। तो ये एक साइड से पहले इस तरह से सिलाई लगा के और फिर उसके ऊपर एक और सिलाई लगा के तब हमें ये फोल्ड करनी है अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये सिलाई लगा दी है मैंने, और यहाँ हल्का सा मोड़ते हुए और इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो ये लगभग 1.5 जो है वो हमें यहाँ पे 1.5 पे एक सिलाई लगानी है ऊपर से। तो पूरी ऊपर तक लगानी है ये। तो इससे पहले मैंने जो फ्रिल थी साइड की वो मैंने फ्रिल भी जोड़ ली थी साथ में, मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई हूँ इस वीडियो में। तो उसके बाद जो है ये पट्टी जो है वो पूरी में लगा दी है मैंने एक पार्ट में, ये जो है राइट वाला पार्ट है हमारा, और लेफ्ट वाले पार्ट में जो है वो हमारी पट्टी जो है वो एक साइड से पूरी दिख रही है, मतलब 1 इंच की जो है वो दिख रही है और दूसरी साइड की नहीं दिख रही है, और इसके ऊपर इस तरह से ये
रख देंगे। तो अब हमें बनाना है गला, तो हम इसको सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए पलट लेंगे। उसके बाद राउंड शेप हमें नेक का बनाना है। 3.5 पे जो है वो एक निशान लगा लिया और 5 इंच पे यहाँ लंबाई का निशान लगा लिया है गहराई का। तो इस तरह से गोल हम कट कर लेंगे इसको। अब यहाँ हमें पीटर पैन कॉलर बनाना है। कॉलर बनाने के लिए मैंने ये ब्लैक वाला जो बीच में पट्टी लगाई थी वही वाला कपड़ा ले लिया है और इस तरह से गले को जो है वो रख के और 3 इंच का चौड़ाई का हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ निशान लगा देंगे, जैसा भी हमने गला कट किया है वैसा ही चौक से हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा हम शेप दे देंगे इसको। तो ये दो पार्ट मेरे आ गए हैं। तो बुकरम भी मैंने कट कर लिया है इसी की साइज की बिल्कुल। अब नीचे की तरफ जो है एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों में, उल्टी करके दोनों को उल्टा तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हल्के हल्के कट लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद, जिससे ये पलटने में जो है आसानी होगी और झोल नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसको पलट देंगे अब। फिर उसके बाद पलटने के बाद जो है उल्टी तरफ से हमने ये रख के इस तरह से और सिलाई लगा दिए गले पे, और उसमें भी हम ऐसे ही कट लगा देंगे बीच बीच में थोड़े थोड़े। और पलट देंगे इसको, फिर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरा लेफ्ट साइड का हो गया है। अब हम राइट साइड में भी इसी टाइप से लगा देंगे ये कॉलर और इस तरह से पलट देंगे। तो लेफ्ट वाले में हमने जो ब्लैक वाली पट्टी थी वो हमने छोड़ दी है आगे की तरफ, और इसमें जो है वो नहीं छोड़ी है। और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद दोनों हमारे जो कॉलर हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से ये एक के ऊपर एक रखने के बाद जो है ये बिल्कुल सेंटर में आएंगे। कॉलर हमारा रेडी है और बैक पार्ट भी हमारा रेडी है, नेक। तो हम दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो शोल्डर से पहले मैं जॉइंट करूँगी, तो एक सिलाई इसके ऊपर से लगाती हुई गले पे भी लगाती हुई और दूसरे शोल्डर की तरफ एक साथ में लगाऊंगी। तो 1/2 इंच के गैप पे एक सिलाई पूरी में लगा दूंगी मैं। स्लीव्स बनाने के लिए 4 फोल्ड करके हमने 9 इंच पे ये निशान लगा लिया है, और एक साइड जो हमारी खुली वाली साइड है उधर की तरफ 3.5 इंच पे इस तरह से डाउन का निशान लगा दिया है। और जो हाथ की हमारी गोलाई होगी उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा दिया है, और इस तरह से हम कट कर लेंगे। लंबाई जो है स्लीव्स की 5 इंच है, और 1 इंच की मैं ये ब्लैक पट्टी लगा दूंगी इस पर इस तरह से। तो यहाँ फ्रंट वाले पार्ट में जो है वो 7.5 इंच पे इस तरह से गोलाई देते हुए हमें कट कर लेना है यहाँ। तो ये शेप बनाकर हमें कट कर लेना होता है। तो ये फ्रंट में होता है बस, खाली दो जो हमारे फ्रंट वाले होते हैं। ये ब्लैक पट्टी मैंने लगा ली है, और जो ये लगाई है ऊपर से जो लगाई है ना ऊपर, तो ये 1/2 इंच की मैंने नीचे डाउन करके तब एक सिलाई लगाई है। उसके बाद ये स्लीव्स जो है मैंने जो हमने शोल्डर जोड़ लिए थे ड्रेस के, तो उसमें हमें स्लीव्स भी लगा दिए हमने। अब उसके बाद हमें साइड की सिलाई लगानी है, तो साइड की सिलाई भी मैंने लगा दी है। जो भी हमारा साइज है उसमें हम 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लगा के और तब हम सिल लेते हैं इसको। नीचे की फ्रिल जो हमें लगानी है पीछे की साइड, तो वो इस तरह से ये जो 1/2 1/2 हमारी आई है, जो भी फ्रिल आई है ये, तो उसको हमें इस तरह से पहले जोड़ देना है। यहाँ सिलाई लगा देंगे एक, तो ये पूरी पट्टी बन जाएगी, और यहाँ पे घूम भरते हुए हम इसको जोड़ देंगे।
छोटे छोटे घूम भरते हुए इसको जोड़ देंगे, हम पूरे में ऐसे ही जोड़ देंगे पीछे की साइड। तो ये सारे मैंने जो फ्रिल है वो भर दी है। तो अगर हम इसमें बटन नहीं लगाते हैं तो हम इसे श्रग के रूप में भी पहन सकते हैं, और बटन लगा देंगे तो हम इसे ड्रेस के रूप में पहन सकते हैं। अब हम नीचे जो है वो इसकी सिलाई लगा देंगे फोल्ड करते हुए हाफ हाफ इंच। तो अब हमें बटन लगाने हैं यहाँ, और जो ये हमारी राइट वाली साइड है उसमें हमें कांच बनाने हैं। जहाँ जहाँ बटन लगाएंगे वहीं वहीं हम निशान लगा के यहाँ इस पे काज बना लेंगे। तो काज बनाने के लिए हम मशीन से काज बनाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे इस वाले पे रख देंगे और इसको जो है जीरो पे रखेंगे, और जहाँ भी है निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हमें बटन लगाया है उसी के ऊपर हम यहाँ निशान लगा लेंगे पेन से। जिस साइज का भी हमारा बटन होगा उसी साइज की हमें जो है वो निशान लगाना है और हॉल करना है इसका। तो सबसे पहले हमने जो इस पर सिलाई लगा ली है, तो अभी काटते नहीं हैं हम, बाद में काटते हैं। तो सिलाई कर देने के बाद जो हमने ये हॉल बनाना है इसके बीच में, तो ये थ्रेड कटर से या फिर ये इस कटर से जो है वो बना लेते हैं। तो इधर दूसरी साइड में मैंने बटन लगा लिए हैं, और देखिए कितने अच्छे से ये लग गया है हमारा काज। ऐसे ही हम बाकी के जो हमने बटन लगाए हैं वहाँ मार्क करते जाएंगे और जो है फिर काज बनाते हुए जाएंगे। तो ये दूसरा भी मैंने काज बना लिया है, इसी टाइप से इसको भी कट कर देंगे। तो जितने भी मेरे बटन हैं मैंने 6 इंच का गैप रखते हुए सारे बटन और काज बना लिया है। तो ये कंप्लीट हो गई है हमारी जो ड्रेस है। तो यहाँ बटन लग गए हैं, काज भी लग गए हैं, और ये देखिए इसमें हम बेल्ट लगा सकते हैं, चाहे तो हम इसकी फैब्रिक की बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इसकी बेल्ट नहीं बनाई है, तो ये बेल्ट मैंने लगा ली है। तो देखिए कितनी अच्छी फिटिंग की एकदम हमारी ड्रेस बन गई है, गर्मी के हिसाब से इतनी अच्छी है, ये कंफर्टेबल है एकदम। तो मैंने इसके साथ यूज़ किया है फैब्रिक, तो उसका मैंने ये अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाया है। तो देखिए श्रग की टाइप से हम इसको जो है पेयर कर सकते हैं स्कर्ट के साथ। तो ये देखिए हमारी श्रग के रूप में भी ये कितनी अच्छी हमारी ड्रेस बन गई है स्कर्ट टॉप के साथ। तो अगर मेरी ड्रेस पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसी टाइप की ड्रेसेस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहना। तो मिलते हैं फिर नई ड्रेस के साथ, नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।